आई आई टी करके देखिए चाय बना रहे हैं, और ये हमारे कॉलेज का नाम है, देख सकते हैं। अभी हम फिलहाल अपने कॉलेज में आ चुके हैं, और इस तरह से हमारा कॉलेज कुछ ऐसा लगता है देखने में। हमारे सुधीर भाई भी मिल गए थे, ऑटो वाला सबसे हॉर्न मार रहा है। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। और जैसे कि अभी आपने स्टार्टिंग में देखा कि हम अपने कॉलेज गए थे, क्योंकि दोस्तों अभी आप लोगों को नहीं पता है कि मैं कौन सी पढ़ाई करता हूँ, तो आज हम जाने वाले हैं अपने कॉलेज। और मेरे कॉलेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे सिग्नेचर करना है, जो कि एक फॉर्म भरा गया था। मैं आपको वहाँ पर चल करके बताऊँ कि कौन सा फॉर्म था, कौन सा सिग्नेचर करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मेरे कॉलेज के ग्रुप में एक मैसेज आया था कि आपको आज ही आना है, वरना आपका सबमिट, आपका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं हो पाएगा। तो आप इस ब्लॉग में बने रहना, मैं आपको अपना कॉलेज दिखाऊंगा, और साथ में मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मेरे दो दोस्त भी हैं, तो वो मुझे जो है वहाँ मिलेंगे बैराना में, तो उनसे हम मिलेंगे। तो फिलहाल अभी हम नैनी से निकलते हैं बैराना, फिर उनके साथ फिर हम निकलेंगे कॉलेज में। अभी हम पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं, ये सारा सामान तो मुझे ये लेके जाना है। तो फिलहाल हेलमेट को पहले साइड रखते हैं, अपना एयरफोन भी निकाल लेते हैं, और ये चौधरी बाइक की, ये हमें कार्ड जो है मौसी के घर देना है, रास्ते में मेरे मौसी के घर पड़ता है। और ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि ये जो सेल्फी स्टिक और मेरा माइक, इसके बिना मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। तो चलते हैं, इसको बाइक में रखते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं। तो फिलहाल दोस्तों घर से बाहर निकल चुके हैं, और निकल करके टोल टैक्स पे पहुँचे हैं, और ये हमारे यहाँ का रहा इलेक्ट्रिक बस स्टेशन, जहाँ पे इलेक्ट्रिक बस जो है पूरी चार्ज होती है और यहीं से निकलती है। मैंने आपको पहले भी दिखाया था अपने वीडियो में, और सामने टोल टैक्स रहा। और अभी शिवम और कार्तिक भाई से भी मिल रहा है, तो वो लोग हमें जो है बैराना मिलेंगे। अभी मैंने कॉल किया था, तो कार्तिक भाई जो है जलवा से आ रहा है, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, और जो शिवम है वो तो कीटगंज में ही रहता है, तो उनसे हम मिल लेंगे बैराना चौराहे पे। हम लोग प्रोसी चौराहा पहुँच चुके हैं, रेड सिग्नल है, और इस साइड हमारे यहाँ पे इधर बगल में इलेक्ट्रिक बस खड़ी है, और ग्रीन सिग्नल होकर के निकलते हैं फिर। और अभी आ चुके हैं नैनी ब्रिज पे, अभी हम यहाँ पर रुके हैं कीटगंज पे, और मैं पीछे देख सकते हैं। तो अभी हमने कॉल किया है, तो शिवम अभी आ रहा है, वो सामने दिख रहा होगा आपको, एक लड़का आ रहा है जो कि वो मेरा दोस्ती है, तो उसको लेते हैं, फिर मिलते हैं कार्तिक भाई से, उसको भी अभी कॉल करेंगे, तो देखते हैं वो कहाँ पे पहुँचा है। क्या हाल है भाई? बढ़िया है। कार्तिक भाई कहाँ है? पहुँच रहा होगा वो चुंगी पे, चुंगी पहुँच करके कार्तिक भाई से मिल करके फिर साथ में निकलते हैं। अभी हम रुके हैं लोपिंग बाग के पास में, और वेट कर रहे हैं कार्तिक भाई का, तो अब जो है ड्राइवर चेंज करेंगे हम। अभी तक हम बाइक चला रहे थे, अब जो है शिवम चलाएगा। क्यों? अब तुम बाइक चलाना, हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है? तो कार्तिक भाई आ जाए, अभी उसको बोले हैं कि यहीं पे मिलेगा, लोकेशन उसको बता दिए हैं फ़ोन करके, तो अभी बस इसी का वेट कर रहे हैं, आ जाए फिर निकलते हैं साथ में। तो अभी जो है आशीष भाई और कार्तिक भाई हमारे क्लासमेट, और ये उनके फ्रेंड हैं। और भाई हेलमेट बहुत मस्त लग रहा है आपका, हेलमेट बहुत मस्त लग रहा है, बस एक GoPro लगा लो और आप भी ब्लॉगिंग करो। और अभी ये ब्रिज बन रहा है, इसमें कितना टाइम लगेगा शिवम भाई? लगभग 3-4 साल तो लगे जाएंगे मेरे ख्याल से। हाँ, समाजवादी के पार्टी समर्थक यहाँ पे जा रहे हैं, तो अभी हम रुके हैं यहाँ पे झूसी वाले पुल पे, डाट का पुल है, तो यहाँ पे मैंने जो कार्ड रखा है मुझे यहाँ पे देना है, जो कि मेरी मौसी का घर है, तो यहाँ पे हम कार्ड निकाल लेते हैं, जितना भी है कार्ड निकाल करके उनको देते हैं। तो अभी फ़ोन करके बुलाए हैं। लो भाई कार्ड, 5 कार्ड है, ठीक है? हाँ चलो चलो चलते हैं, चलो तुम गए थे क्या? गए थे ऑटो वाला सबसे हॉर्न मार रहा है, इसका वीडियो बना रहा। क्या हुआ भाई, फालतू हॉर्न मार रहा है क्या ये भाई? यहाँ पे रुकेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा एक चाय हो जाएगी। हाँ गर्मी में चाय पियोगे भाई, बहुत गर्म हो जाओगे। और क्या बोला तूने? चलो तो अभी आ गए हैं यहाँ पे अंदावा चौराहे पे, और यहाँ पे जो है भाई के पास, यहाँ पे चाय बनवा करके पियेंगे। गर्मी में चाय बहुत ही नाइंसाफी। तो भाई का क्या नाम है? नीलेश तिवारी नाम है इनका। भाई भूलेंगे नहीं यार, इतना भी अमीर नहीं हो पाएंगे हम, समझ रहे हो? देखते हैं भाई। हाँ तुम भी यही रहोगे। हम जब मोदी भूल गया हमको, उसको बनाए हम सीएम। मोदी भूल गए? अरे नहीं, आपसे तो बना, अभी लोग से तो बनाया, फोन करके पूछता भी नहीं उसको, काटना मत। अभी तो बहुत ही कम इनकम हो रही भाई, मोनेटाइज होने के बाद भी जो है अभी
0.67 अभी बना है, जस्ट मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है। बताओ कितना टाइम लगेगा अभी $100 होने में? $100 होने में भाई साहब आपको कम से कम 1 से 2 महीना, $100 होने में आपको कम से कम 2 से 3 महीने लगेंगे। नहीं उस तरह का भी व्यूज नहीं आ रहा है इतना, तो मेरी पब्लिक जो है अभी थोड़ा नहीं, तो आप उधर करिए कर रहा, आप दूसरा काम भी कर सकते हैं, मजदूरी वगैरह 500 रेट चल रहा है। अरे भाई अगर मजदूरी करना होता तो मैं 700 रुपये मजदूरी चल रही है। अरे मजदूरी करना होता है भाई वो भी बढ़ा रहे, कह रहे भाई 2 पॉइंट खून जल जाता है धूप में, और क्या रात भी खून लेते हैं चढ़ाते हैं इनको। बिल्कुल बिल्कुल, अब उसपे टेंडर पे काम करेगा तो पौवा भी मिलेगा, मेरा काम ही नहीं है। अगर आपको पैसा कमाना है तो आप गलत लाइन में आ गए, आप इसको सबर करिए रखिए थोड़ा सा आया। इसीलिए तो भाई मैं 1 साल में वेट किया हूँ ना इसी पे, एक साल के बाद तो मेरा एक साल और वेट करिए, अभी तो आपका हाल फिलहाल ही तो मोनेटाइज हुआ है, इसीलिए तो मैं वीडियो अभी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं डेली जो है वीडियो बनाऊँ। अभी जो है भाई के यहाँ अभी चाय बन रही है गर्मा गर्म, बहुत ही गर्मी का टाइम भी, अभी टाइम कितना हो रहा है, अभी कॉलेज भी चल रहा है, टाइम ना हो जाए ज़्यादा, ठीक है बनाओ ना इन्हीं का। बाकी वीडियो देखे होंगे, नहीं नहीं मैं MBA चाय वाला, बहुत चाय वाले नहीं, मैं IIT चाय वाला। हां IIT सही, मेरा सिलेक्शन हो गया रहा हूं। IIT की है आप? हां अभी नहीं स्टार्ट कर रहा हूं, अभी तो 10th में हूं। शाबाश बेटा बहुत बढ़िया, क्या बोला तूने? अच्छा ये क्यों हो गया? अभी एंट्रेंस दे के आया हूं राव में, अभी कोचिंग के लिए एंट्रेंस दे के आया हूँ राव में। भाई जितने भी पढ़े वाले होते हैं ना आज तो सब चाय बना के फेमस हो रहे हैं। अभी देखो एक वहाँ पे जो बिहार में, कौन सी लड़की है, प्रियंका नाम है शायद ना, प्रियंका बिहार में जो भी, वो भी हाँ चाय बना करके वो भी बहुत बहुत ज्यादा IIT चाय वाले हैं, IIT करके देखिए चाय बना रहे हैं। चलो उठाओ भाई जल्दी जल्दी पियो, बहुत गर्म है यार। समझ रहे हो? तो अभी चाय पी चुके हैं, अब निकलते हैं कॉलेज। अभी बहुत ज्यादा धूप थी लेकिन अभी जो है अब जाकर के मौसम थोड़ा बहुत सही हुआ है। अभी हम फिलहाल अपने कॉलेज में आ चुके हैं और अभी बस साइन करके फिर आपको दिखाते हैं, पूरा डिटेल बताते हैं और कॉलेज देख सकते हैं। और ये लोग यहाँ क्या जा रहे हैं, अंदर वाशरूम जा रहे हैं। और विजय भाई क्या हालचाल है? बढ़िया है। तो क्या हुआ कॉलेज में बताओ भाई? बंद कर मास्क नीचे करके बोलिए, क्या हुआ कॉलेज में, क्या हुआ बताओ, किस लिए बुलाया गया था? और आप मुंह छुपा के क्यों जा रहे हैं भाई? बोलो यार कुछ तो बोलो जल्दी भाई साहब। तो मतलब हम जा रहे हैं अपने वहाँ पे मैडम के पास। तो अभी आ चुके हैं लाइब्रेरी ऑफिस में और यहाँ पे हमें एक फॉर्म मिला है जो कि मेरे कॉलेज का है। एक्चुअली मैं हम लोगों का जो है अभी एग्जाम शुरू होने वाला है तो उसके लिए एडमिट कार्ड के लिए अप्लाई किया गया है फॉर्म, तो उसे को ये सबमिट किया गया था, तो हम लोग का यहाँ पे सिग्नेचर होने आए हैं। तो यहाँ पे कार्तिक भाई शिवम भाई सिग्नेचर कर रहे हैं, तो अभी हम भी कर लेते हैं। तो अभी हमने अपना फॉर्म जो है फिल कर दिया है और ये ऐसा नज़ारा देख सकते हैं मेरे कॉलेज का। तो अभी आपको नीचे भी दिखाएंगे, वो दाई जी हाथ हिला रही हैं। और अभी हम एकदम अपने कॉलेज के एकदम ऊपर आ चुके हैं, एकदम छत पे आ चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ से पूरा दिखेगा आपको चारों एरिया। और पीछे यहाँ पे खेती भी हो रही है, किस चीज़ की खेती है भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे खेती हो रखी है पीछे साइड और एकदम दूर दूर तक नज़ारा देख सकते हैं। और ऐसा नज़ारा है और हमारे भाई लोग यहाँ पे खड़े हैं। तो अभी आपको अपने क्लास भी दिखाएंगे जहाँ पे हम क्लास करते हैं। और ये हमारा क्लासरूम जो कि अभी ताला बंद है फिलहाल, मैं आपको अंदर से दिखा दे रहा हूँ। और देख सकते हैं ये हमारा क्लासरूम था, अभी जो इस तरफ यहाँ पे ताला बंद है ना, क्योंकि अभी सभी में छुट्टी हो चुकी है, अभी एग्जाम होने वाले हैं। और इस तरह से हमारा कॉलेज कुछ ऐसा लगता है देखने में। तो हम लोग का काम हो चुका है, अभी हम निकल रहे हैं घर। हमारे सुधीर भाई भी मिल गए थे तो ये भी साइन करने आए थे, कार्तिक भाई। और मेरी गाड़ी देखो लेके जा रहे हैं, अभी हम जाएंगे अतीश भाई के साथ घर। और ये हमारे कॉलेज का नाम है देख सकते हैं, ये रिक्शा जा रही है मेरे सामने से और इसमें लिखा है ज़्यादा चलाओ ज़्यादा कमाओ, और इसका माइलेज है 150 रुपया देगा किलोमीटर चलती है ये। तो अब यहाँ से हम अपने बाइक को चेंज कर लिए हैं, हम आ चुके हैं अपने बाइक पे, कार्तिक भी अपने बाइक पे, और यहाँ से हम अलविदा करते हैं।